गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी ये शाम की बन रही है चाय, और ये मम्मी और इनकी चाय बन रही है। पापा की इसके पहले मैं बनाकर दे दी हूँ। बस ये चाय मेरी रेडी हो गई, देकर आती हूँ इन लोगों को। और इसके बाद ना मैंने सुबह आज लच्छा पराठा बनाया था, उसकी रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, नॉर्मल आटा लिया है गेहूं का और ना उसमें नमक डालकर गूंथ लिया है। तो पराठे में यहाँ पर नमक डाल के वैसे भी बनते हैं, सादे पराठे भी, तो नमक तो वैसे ही डलता है मतलब आटा में पराठे के लिए। तो कि भाई ये नमक डाला है आटे में और गूंथ लिया है और इसको बेल लिया है रोटी के जैसे। थोड़ा मोटा बेलेंगे मतलब थोड़ा बड़ी लोई लेंगे और उसमें घी लगा देंगे, बटर लगा देंगे, जो भी आपको लगाना है आप लगा दीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो आटा होता है सूखा बर्तन उसको डाल देंगे, और इसके बाद मसाले डाल देंगे ताकि जो मसाला जो हम डालेंगे वो अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने घी लगाया था, देसी घी, और उसके ऊपर से थोड़ा सा आटा छिड़क दिया है। इसके बाद इसमें डाल रही भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और इसके बाद ये लाल मिर्च भी डाल दूंगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा धना पाउडर डाल दिया है मैंने। जो भी मसाले आपको डालना है आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। ये देखिए मैंने कलर वाली मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होगा कि कलर बढ़िया आ जाएगा थोड़ा सा। और इसके बाद ये डाल दिया है मैंने, और इसके बाद गाइज मैंने ये डाल दिया धनिया पत्ती, बारीक काट कर डालेंगे तो बहुत अच्छे लगेगी। तो इस तरीके से मैंने ये डाल दी धनिया पत्ती, और बस इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये जो धनिया पत्ती मसाला जो है अच्छे से चिपक जाए। और इसके बाद परत लगाएंगे, तभी तो बोलते हैं ना लच्छा पराठा। लच्छे पराठे में जब परत आती है तो वही बहुत अच्छा लगता है देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर और धना बोल रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैंने आटा और रख दिया है, और इस तरीके से मैं प्लेट बना रही हूँ, जैसे अपन प्लेट बनाते हैं ना साड़ियों में, उस तरीके से प्लेट बना रही हूँ पूरे में। और ये देखिए, ये परत लगाने के बाद इस तरीके से राउंड राउंड कर देना है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, इस तरीके से देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से कर लेंगे, फिर इसको इस तरीके से दबा देंगे, और फिर हमें बेल लेना है थोड़ा सा बर्तन लगा के। सो गाइज, ये देखिए मैंने ये बेल लिया है पराठा, और ये देखिए परत अलग से दिख रही है ना, जब आप इसको सेकोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो बस मैंने गैस पर डाल दिया है, मतलब तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और मैंने पराठा डाल दिया है। तवा अच्छा जब गर्म हो जाए तभी डाले, थोड़ा सा मैंने जल्दी डाल दिया था। तो अभी थोड़ा सा हाई कर दिया है मैंने फ्लेम, तो जब तक कि दूसरा पराठा बना लेती हूँ। सो वापस से मैंने फिर से वही मसाले डाले हैं जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया, धना पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक पहले ही डाल दिया था, थोड़ा सा ऊपर से और डाल दिया था नमक। और बस इन सब चीज़ को डालने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पराठा सिक रहा है, दीदी सेक रही हैं पराठा। ये तो ये देखिए पूरी अलग सी परत दिख रही है ना, इतना प्यारा लग रहा है ना देखने में, और खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो कभी कुछ अलग अलग चेंज करके बनाते रहो तो सही भी रहता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये हाथों से दबा लिया है क्योंकि ये मसाला अच्छे से दब जाए, और वापस से फिर से परत इस तरीके से लगा लूँगी। सो गाइज, ये देखिए लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसको सब्जी के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी कुछ नया ट्राई करना चाहिए, मैंने पहले ही बार ही बनाया है बट अच्छा लगा सबको, पापा ये और दोनों लोग ने खाया, बोल रहे थे अच्छा है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कुछ बनाना है अगर तो। और गाइज, बस वाटरमेलन कटा हुआ रखा था तो मैंने भी ले लिया है, बाकी सब ने खा लिया था तो बस मैं ही खा रही हूँ। और ये कपड़े उठा कर ले आए थे मैंने, तो कपड़े भी रखे हैं, कपड़े भी मुझे घड़ी करने, तो मैंने सोचा पहले ये खा लेती हूँ उसके बाद फिर कपड़े घड़ी करूँगी। तो अभी मैं रूम से ही आई हूँ, बस सोकर उठ के, थोड़ी देर नींद लग गई थी मेरी, तो बिंदी वगैरह सब कुछ निकल गई है मेरी।
सो वाटरमेलन फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद बस मैंने जैसे कि बताया कपड़े रखे थे घड़ी करने के लिए, तो बस कपड़े घड़ी कर रही हूँ। साथ में यहाँ पर टीवी भी चल रही थी तो सब लोग टीवी देख रहे थे और यहाँ से मैं भी टीवी देख देख के घड़ी भी कर ली कपड़े, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना इन्हें घड़ी करना बहुत बोरिंग लगता है, बट ठीक है टीवी चल रही थी जल्दी जल्दी से कर लिया था घड़ी। तो बस यही टाइम होता है 4:30 बजे नल आ जाते हैं जैसे कई बार बताया। तो बस यहाँ पर मैं पानी भरती हूँ, पानी भरने के बाद यहाँ पर तुलसी जी लगी हुई है और बगल में नल के बगल में ये लगा हुआ है बेलपत्ती का पेड़, यहाँ पर पानी भी डाल देती हूँ क्योंकि ये ना सूख रहे हैं तो अभी बहुत अच्छे हो गए हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन हो गए बहुत अच्छे से, पूरे पत्ते वापस से आ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी आंधी टाइप तो मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा सा, तो बढ़िया। मैं यहाँ पर पानी भर लेती हूँ फटक से। अरे वाह यहाँ तो पोहा बन गया है, एक्चुअली मैं थोड़ा पानी भरने लग गई बाहर तो शायद इन्होंने बनाया है पोहा, बढ़िया ये तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। और देखो एक नंबर पोहा बनाया है बिल्कुल, खाने में भी मुझे पता, अच्छा ये पोहा अच्छा बनाते हैं, इनको बहुत पसंद है पोहा। तो हम लोग का चल रहा था सुबह से कि आज पोहा बनाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये खुद बना लेंगे, तो अच्छा चलो मेरा पानी भी भर गया और यहाँ पर मैं आई तो पोहा बना मिला मुझे, अच्छा लगा देखकर। तो ये लग गई है मेरी प्लेट और सबने खा लिया है, बस मैं ही बची थी और मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है पोहा, लेकिन अच्छा बना था वैसे, इंदौरी पोहा बनाया था इन्होंने, इंदौर में कुछ टाइम रहे हैं ये पढ़ाई की वजह से तो बनाए थे पोहा, बहुत अच्छा बना था। और बस यहाँ पर मैं टीवी भी देखती जा रही थी, मेरा यहाँ पर पैड है मैं यहीं पर ही बैठ के खाती हूँ, जो चेयर होती है डाइनिंग की मेरा, मैं सुबह नाश्ता खाना यहीं पर ही सब जो भी है यहीं पर ही खाती हूँ, मेरी फिक्स है। तो बस यहाँ पर टीवी भी चल रही थी, मूवी लगाए हुए थे इन लोग तो बस टीवी देखते जा रहे थे हम लोग। एवरीवन कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। और आज है तारीख 1 मई और अभी मौसम बहुत अच्छा था, बाहर का व्यू, और अभी 5:30 के लगभग हैं और जस्ट मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री होकर आई हूँ। आज इन्होंने बना दिया था नाश्ता, मतलब हम लोग को बनाना था सुबह, बनाना था मतलब सुबह, सॉरी सुबह डिसाइड हो गया था कि पोहा बनाएंगे, बट ये नहीं पता था मुझे कि ये खुद बना लेंगे, तो बन गया है नाश्ता, हो भी गया, सब लोग कर भी लिए हैं। और यार कितना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है आप लोग तो सब जानते ही हो, कितनी ज़्यादा मतलब न्यूज़ सुन सुन के ना हालत ख़राब हो रही है, जब देखो तो यही सुनाई देता है कि ये नहीं रहे वो नहीं रहे, कितना गंदा लगता है और सुनकर। अभी परसों ही हाल ही में आप लोग ने भी देखा होगा पत्रकार आज तक में आते थे, क्या नाम था उनका, रोहित सरदानंद कुछ नाम था, तो वो भी नहीं रहे, बट वो शायद कोरोना था उनको, या नहीं कोरोना था वैसे तो शायद, लेकिन शायद डेथ उनकी हुई है, शायद उनको अटैक आया था इस वजह से वो ख़त्म हुए हैं। तो इस समय बस यही रह गया है, रात दिन यही सुनाई देता है, टीवी में न्यूज़ देखने का मन ही नहीं होता, अब लॉकडाउन है पापा लोग घर पे रहते हैं तो न्यूज़ तो देखेंगे ही, तो देखने सुनने को मिलता ही रहता है। ये दोस्तों आंधी आ गई है, वहाँ पर देखिए कितना दिख रहा है, मैं आप लोग को जूम करके दिखा रही हूँ, देखो पीछे से आंधी आ रही है, और आप लोग काफी कमेंट करते हो मुझे सोनल दीदी व्लॉग क्यों नहीं डाल रही है,
तो दीदी एक दो दिन के अंदर ब्लॉग कंटिन्यू करेगी, आप लोग के साथ शेयर करेगी कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से ब्लॉग कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही थी, वो सब आप लोग के साथ शेयर करेगी। एक्चुअली उसने मना कर रखा था मुझे कि तू मत बताना, इस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, वरना मैं तो कब का बता दी होती आप लोगों को। ये देखिए क्या मस्त मीठी मीठी हवा चल रही है। ये वाले फूल अप्रैल में निकलते हैं, तो अप्रैल तो निकल गया, ये देखो मुरझाने भी लग गए हैं। बाहर ही थी मैं, देखी कि गैया है, तो मैंने सोचा चलो गाय को रोटी खिला देते हैं, और ये भी वहीं पर ही थे तो बस मैं उनको ले जाकर दे देती हूँ, तो ये खिला देंगे। मैं सुबह खाना बनाती हूँ तो एक रोटी गाय के लिए निकाल ही देती हूँ। तो ये बोल रहे थे कि एक रोटी और लेकर आओ, गैया एक खड़ी हुई है, तो मैं वापस से लेने जाती हूँ रोटी। अब तो गाइज यहीं पर आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक अच्छे से अच्छे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।